नमस्कार, भारत उदय समाचार में आप सभी का स्वागत है। सिद्धि विनायक मित्र मंडल में बिरहा का प्रोग्राम रखा गया है, जो उत्तर भारतीय लोगों का बहुत ही प्यारा है और लोग यहाँ पर बहुत पसंद करते हैं। आज यहाँ पर सुरेश काले, जो सिद्धि विनायक मित्र मंडल के कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं बिरहा गायक और गायिका जो है उनका, देख सकते हैं यहाँ पर। उदय समाचार में आप सभी का स्वागत है। सर, ये बताइए कि बिरहा से हम अपने समाज को कैसे सुधार सकते हैं और बिरहा गाकर हम समाज को कैसे बता सकते हैं कि हम अभी भी वही भारतीय संस्कृति है। जो बिरहा एक ऐसी संस्कृति है, बिरहा एक ऐसी विधा है कि बिरहा गाने वाले कलाकार वो हरफन मौला कलाकार होते हैं। अगर बिरहा के कलाकार को कहीं लड़का पैदा हो जाता है तो लोग बुलाते हैं। आजकल की जो नई नई पीढ़ी हैं, पहले हमारी माताएं बहनें मेरी आजी दादी शोहर गाया करती थी, अब ये शोहर लुप्त हो गई है, वो शोहर गा नहीं पाती हैं। तो कभी कभी बिरहा कलाकारों को बुलाया जाता है कि भाई मेरे बच्चे का बरही है या जन्मदिन है, तो उस जन्मदिन में आना है, तो हम लोग बच्चों को गोद में लेके हम लोग सोहर गाते हैं। और जब सोहर भी गाते हैं, शादी ब्याह पड़ता तो हम लोग को बुला देते हैं, तो उसमें हम लोग विवाह गारी भी गाते हैं, लोरकी गाते हैं, चैनिनी गाते हैं। बिरहा विधा में तरह तरह की धुन, कवाली, फिल्मी, तमाम चीज़ का आल्हा, पहपट, खड़ी सब लिखा रहता है और सब चीज़ हम लोग उसको गाते हैं। और उस समाज को ये सोचते हैं कि अच्छी चीज़ हम परोसें कि लोग सुने और उसे ग्रहण करें, उसमें अच्छाई आवे। जो आजकल भोजपुरी में जो गीतें जैसे निकली है तमाम तरह की, तो उसके लिए हम लोगों को भी नागवार लगता है। कभी कोई फरमाइश करता है कि नहीं इस गीत को गाइए, लेकिन हम जैसा कलाकार उस गीत को गाने में थोड़ा सा ये लगता है कि हम समाज, एक चीज़ तो आपको मानना पड़ेगा कि जो समाज के लोग हैं, जो दर्शक अगर चाहेंगे कि हमको ये फिल्म देखना है या दर्शक चाहेंगे कि इस कलाकार को सुनना है इस रूप में, तो आपको गाना पड़ेगा, ऐसा होता है? नहीं, फिर भी मेरी कोशिश ये रहती है, मैं जल्दी मंच पर उस चीज़ को नहीं गाता हूँ। और आप तो अभी यहाँ थे ही, देखिए मैं जो है उसको। अंतिम सवाल आपसे है कि बिरहा का मुझे मतलब समझा दें कि मतलब बिरहा का क्या होता है। बिरहा जो बाहरी लोग हैं, जो हमारे उत्तर भारत से उत्तर भारतीय नहीं है, जो गुजरात के हैं, महाराष्ट्र के हैं, उनको जानना है कि बिरहा का जो प्रोग्राम हुआ था उसका मतलब क्या है। बिरहा एक ऐसी विधा, मैंने पहले ही बता दिया आपको, बिरहा में कोई कहानी, जैसे समरू लोरी की कहानी छत्रपति महाराज में गाते हम, तो छत्रपति शिवाजी महाराज भी यादव थे, उनके बारे में उनकी कहानी, मराठों की लड़ाई, वो भी बिरहा के से हम लोग गा करके, वो लाइव एक प्रोग्राम होता है, उसमें कहानी की तरह होता है। इस बार हम लोगों ने बिरहा तो नहीं गाया, खाली लोकगीत की एक भूमिका हम लोगों ने दिया है। बिरहा बड़े ताव से होती है, अंगूठे से लेकर सर तक पसीना निकलता है। बीरस की कोई कहानी होती है, जैसे अंग्रेज़ों का राज था, कैसे कैसे लोगों ने उस पर, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनके बारे में तमाम गीते गाते हैं। अभी हमारे देश में जैसे कारगिल की लड़ाई छिड़ी थी, तमाम अभी लफड़े हो रहे हैं, हमारे देश के कौन कौन से जवान शहीद हुए, उन्होंने क्या क्या किया, उनके बारे में जो कहानियाँ मिलती है, उनके घर परिवार से लेकर सारा चीज़ को हम लोग बिरहा के माध्यम से वो पूरी स्टोरी एक लाइव हम लोग घंटों भर खड़ा होकर गाते हैं, उसको सुनाते हैं, अपने समाज के बीच में उनका एक प्रचार प्रसार हम लोग करते हैं। देश के अलावा कोई और देश में ऐसा रुचि है? हमारे उत्तर भारतीय समाज के लोग अगर यहाँ पर नहीं है, आप मॉरिशस में चले जाएं, हमने तो मॉरिशस में गाया है, हमने बिरहा गाया है, वहाँ भी लोग, हमारे बहुत से लोग हैं, अमेरिका में हमारे लोग हैं, पेरिस में हमारे लोग हैं। युवा पसंद कर रहे हैं या जो पहले के लोग हैं वही पसंद? नहीं, ऐसा है, अभी यहाँ तो मैं किसी बुजुर्ग को नहीं देखा, मैंने युवा पीढ़ी को ही देखा, लेकिन हम लोग लोकगीत गाए, बिरहा का हम छन्ने लिया नहीं। लेकिन मुझे याद है, मैं आज 12 साल पहले यहाँ आया था, कविता की स्मृति से मेरा कार्यक्रम हुआ, प्रतिमा सिंह से कार्यक्रम हुआ, सोनम सरोज से हुआ, जो ऑडियंस यहाँ की थी सब नौजवान आदमी, उन्होंने बिरहा के लिए भी, आज बिरहा के नाम से ही इतने लोग, मैं तो समझूंगा कि आए थे, और जिन उतने लोगों ने जो हमें प्रतिसाद दिया, जो ऑडियंस हम लोगों को जो सम्मान दिए, उसके लिए मैं ये पूरी ऑडियंस का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा इंद्रजीत यादव, भोजपुरी गायक इंद्रजीत यादव। प्रियंका माधुरी। माधुरी जी, सबसे पहले ये बात करना है आपको कि आज यहाँ पर गुजरात के दादरा एवं नगर हवेली सिलवासा में आपने आज प्रोग्राम किया है जी, और यूपी बिहार में भी आप प्रोग्राम करते होंगे, ऐसे ही स्टेज रखा होगा, ऐसे ही भीड़ रखा होगा, कैसा लगा आपको? हमें तो बहुत अच्छा लगा, सम्मान मिलता है, मान सम्मान से बढ़कर और क्या है, जिसे भी सम्मान मिलेगा वही खुश होगा, नाम मिलेगा, शोहरत मिलेगा, उसी के जोश पर आप इतना जोश पर नहीं, लोगों का प्यार है जो हम लोग ऐसा करते हैं, गाना पड़ जाता है। बिरहा गाते वक्त में कैसा, मतलब आप लोगों को इसका तैयारी करना पड़ता है कि एक अलग आप लोगों के अंदर गुण होता है? नहीं, इसका तैयारी भी करना पड़ता है, और
किसी की इसी के अंदर तो थोड़ी सी कला पहले से ही होती है, जिसे कहते हैं कि कोई खास बात के लिए बना है, तो किसी के अंदर थोड़ी सी कला होती है, उसे उभारने की ज़रूरत होती है जी। मैं तो कक्षा 5 में थी तब से गा रही हूँ, मुझे आता जाता नहीं था, लेकिन हाँ जैसे गाना वगैरह हुआ, हिंदी गाना हुआ, तो ये सब गाती थी। तो गाते गाते हम किसी को गाली दे सकते हैं? ये गाली वाली जो बात कही, गीत में भी गालियाँ हैं, औरतें गाया करती हैं। मतलब किसी को चिढ़ाना चाहे, अगर हम किसी को मतलब तो दे सकते हैं सर? या गीत में अगर गाएंगे तो गाली देंगे तो दे सकते हैं, बाकी वैसे नहीं दे सकते। गाली गाए हैं 13 लाख लोग। कैसा लगा यहाँ पर रजिस्टर के पे आ गया? हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली। इससे पहले मुंबई में आप प्रोग्राम किए होंगे? जी जी, महाराष्ट्र में प्रोग्राम किए। हाँ, पहली बार? या नहीं, यहाँ पे हम 3री बार आए हैं। इससे पहले कहाँ पे मंच पे किया? इसी मंच पर 2 साल। और बिरहा से एक बात याद आया कि जो हमारा उत्तर भारतीय संस्कृति है, जो उत्तर भारत के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जी, बिहार और जो उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ भोजपुरी पसंद किया जाता है, वहाँ पे बिरहा में किस तरह से हम लोग वहाँ पे मतलब लोगों को समझाते हैं या गीत गाकर कैसे? बिरहा एक ऐसी विधा है, ये जैसे कहते हैं कि विरह यानी दुख, मेरा एक ऐसी विधा है कि इससे हम किसी का भी सुख दुख या जो घटना घटित हो जाती है या पिछला गला होता है जो हम जानते हैं या जानकारी लेते हैं, उसके दुख को, उसके सुख को इस विरह के माध्यम से हम लोग समाज में आकर के चर्चित करते हैं, बताते हैं। एक विरहक से कहानी याद आया मुझे, या रामपाल करके कोई है क्या, कुछ नाम है उनका जो विरह गाते हैं मुंबई में, उनका प्रोग्राम था, मेरा मोबाइल खो गया था, ये विरह के प्रोग्राम में ही। अच्छा, अच्छा। का प्रोग्राम था मुंबई में, और उनको जब मैं गया कहने के लिए कि मेरा मोबाइल गुम हो गया, तो वो हंसते उस बात को उड़ा दिया मेरा विरह में ही, उस बात को कि भैया देखा मतलब इसका मोबाइल खो गया ऐसा। तो किसी भी चीज़ को मतलब हंसते हुए अंदाज में बिरहा में मतलब आप लोग पेश कर देते हैं उसको? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, अगर किसी की कोई चीज़ गुम हो जाए तो मदद करनी चाहिए, वो चाहे कलाकार हो या चाहे अन्य लोग हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।